डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम ऑफ बाइनरी सर्च टेक्निक। तो बाइनरी सर्च टेक्निक का पिछले वीडियो में मैंने जो दिखाया था प्रोसेस कि हाउ इट वर्क्स, तो वो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा हो तो आई बटन प्रेस करके आप जाके उसको देख सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जब समझ में आ जाएगा तो फिर एल्गोरिथम बहुत आसान होने वाला है। तो देखो, एल्गोरिथम में मैंने साफ लिखा है बाइनरी सर्च। तो एल्गोरिथम का नाम है बाइनरी सर्च, जिसमें ए एन आइटम एल बी यू बी। ए इज व्हाट? ए इज द एरे ऑफ एलिमेंट्स, एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट जो उसके अंदर हैं। उसके बाद एल बी इज द लोअर बाउंड, यानी कि जैसे हमारा एरे जीरो से शुरू होता है तो लोअर बाउंड जीरो हो जाएगी, और एन माइनस वन उसकी यू बी मतलब अपर बाउंड हो जाएगी। तो अपर बाउंड और लोअर बाउंड पे हमें थोड़ा सा देखना है कि कैसे, अगर कोई वन्स वन से शुरू करता है तो उसका वन के हिसाब से चलना है, हम जीरो से शुरू करते हैं तो जीरो, क्योंकि एरे में हमारे सी और सी प्लस में जीरो से शुरू होता है, इसलिए मैंने लोअर बाउंड को जीरो से रखा है। एक आइटम है दैट इज टू बी सर्च, जिसे हमें सर्च करना है, और उसकी एक लोकेशन लॉक बतानी। ये बात मैंने पूरी लिखी हुई है इसमें कमेंट्स। अब आ जाते हैं हम एल्गोरिथम पे। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले सेट किया जाता है बिगिन, और बिगिन की वैल्यू होती है लोअर बाउंड। मैंने जो आपको उसमें कॉन्सेप्ट में समझाया है, लोअर बाउंड मतलब जीरो रखा था बिगिन की वैल्यू, एंड की वैल्यू अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड लिखेंगे, और फिर उसके बाद एक लॉक माइनस वन ये सेट करते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं दैट लोकेशन इज नॉट प्रेजेंट इन द एरे, जिसकी वजह से हम ये मान के चलते हैं एलिमेंट मान लो ना प्रेजेंट हो तो हम माइनस वन उसे रहने देंगे, नहीं तो लॉक को चेंज कर देंगे। तो देखो कैसे करते हैं। अब हमने क्या किया, बिगिन को और एंड को और लॉक को सेट करने के बाद रिपीट स्टेप्स 4 and 5 अंटिल अनलेस, कब तक करना है, जब तक कि बिगिन की वैल्यू एंड से बड़ी ना हो जाए। बिगिन की वैल्यू अगर लेस देन और इक्वल टू एंड रहती है तो हमें ये चलाते रहना है। अब क्या कर रहा है कि स्टेप नंबर 4 में लिखा है, सबसे पहले मेड कैलकुलेट करना। मेड क्या होता है, बिगिन प्लस एंड बाई 2 का इंटीग्रल पार्ट, जो आपके सामने यहां पे लिखा हुआ है। उसके बाद जब ए मिड पे, यानी कि मिडिल एलिमेंट पे, वो हम देखते हैं, चेक करते हैं आइटम अगर है तो हम कह देते हैं सर्च सक्सेसफुल, जिसके लिए लॉक को सेट कर देंगे मिड, और फिर गो टू स्टेप नंबर 6, यानी कि यहां पहुंच जाएंगे, और यहां माइनस वन नहीं है क्योंकि लॉक की वैल्यू मिड हो चुकी है, और मिड हो गई है तो कह देंगे माइनस वन नहीं है, ये बात ट्रू हुई तो इसका मतलब सर्च इज सक्सेसफुल इन लोकेशन इज लॉक, लॉक को प्रिंट कर देंगे। उसके बाद अगर सपोज करो नहीं मिलता है, जब मैच नहीं किया तो क्या करेंगे, एल्स इफ में जाते हैं, मिड एलिमेंट अगर आइटम से बड़ा है, इसका मतलब आइटम लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड के लिए मुझे एंड को किस साथ मिलाना पड़ेगा, एंड हो जाएगा मिड माइनस वन। ये मैंने कॉन्सेप्ट सब समझाया हुआ पिछले वीडियो में, जाके देखें। अच्छा, अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आइटम राइट साइड में होगा, राइट साइड में होगा तो हमें क्या करना, बिगिन इक्वल टू मिड प्लस वन, जिस समय भी या तो बिगिन एंड से बड़ा हो जाए या यहां से गो टू स्टेप नंबर 6 हो जाए। कैसी बाहर आए, जब भी बाहर आएगा तो स्टेप नंबर 6 पे जाएगा। अगर सपोज करो बिगिन एंड से बड़ा हो गया, इसका मतलब अभी भी हमारी लॉक की वैल्यू चेंज नहीं हुई, और नहीं हुई तो माइनस वन रही, इसका मतलब आइटम वॉज नॉट प्रेजेंट इन द लिस्ट। हम साफ लिख देंगे सर्च इज अनसक्सेसफुल, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसको एक छोटा सा ड्राई रन करके दिखा देते हैं। बिगिन की वैल्यू सबसे पहले मान लेते हैं, ये छोटा सा कैरे है हमारे पास में जिसमें 4 एलिमेंट है, तो एन की वैल्यू तो हो गई 4, और बिगिन देखो एल बी कितना हो गया 0, और यू बी कितना हो गया एन माइनस वन यानी कि 3, एल बी यू बी पता लग गया। अब हम क्या करें, और लॉक की वैल्यू कितनी सेट हो गई, लॉक इक्वल टू हो गया माइनस वन, यहां तक का तो काम हो चुका है। उसके बाद इसको चलाना है, देखो बिगिन कितना हो जाएगा, हाँ नहीं ये काम अभी नहीं हुआ, बिगिन में एल बी आएगा यानी कि 0, एंड में कितना आएगा यानी कि 3। अब 0 और 3 में 0 छोटा है 3 बड़ा है, ये हो गया बिल्कुल ठीक। अंदर जाएंगे और मेड निकालेंगे, मेड हो जाएगा 0 + 3/2 यानी कि 1.5, 1.5 का मतलब हो गया 1, यहाँ पे 1 लेंगे, और 1 पे हम क्या करेंगे, 1 पे आइटम को मैच करेंगे, 1 पे 12 है, आइटम तो पहले ले लो। मान लेते हैं आइटम 15 था, आइटम 15 था, तो 15 को हमें ढूंढना है, तो 15 के लिए 12 तो 15 नहीं है, इसका मतलब 15 कहाँ है, राइट में होगा, और राइट में होगा तो हमें क्या करना है, एल्स इफ में जाना है, और ए मिड आइटम से बड़ा है, बिल्कुल नहीं है, ए मिड 12 है, और जो आइटम से बड़ा नहीं है तो कहां जाएंगे, इसमें जाएंगे, बिगिन इक्वल टू मिड प्लस वन। बिगिन इक्वल टू मिड प्लस वन मतलब बिगिन हो गया 2, मिड प्लस वन, और 2 पे फिर हम क्या करेंगे, फिर ये लूप चलाएंगे दोबारा से, क्योंकि 2 अभी 3 से छोटा है, और दोबारा करेंगे इसी काम को, 2 + 3/2 यानी कि 2 + 3 5/2 यानी कि 2.5 का मतलब 2 हो गया,
नंबर दो पे हम आइटम देखेंगे, देखो आइटम इज मैच्ड, हम कह देंगे सर्च इज सक्सेसफुल, क्यों, लॉक की वैल्यू मेड यानी कि टू कर देंगे और चले जाएंगे स्टेप नंबर सिक्स पे। आइटम बिल्कुल लॉक माइनस टू नहीं, माइनस वन नहीं है, कितना है, टू है, टू है, तो हम कह देंगे सर्च इज सक्सेसफुल एंड लोकेशन इज टू। लोकेशन अभी यूजर को बताने के लिए तो थ्री होनी चाहिए, तो लॉक प्लस वन लिखते हैं और एल्गोरिथम में हम लॉजिक समझने के लिए इसको टू ही रहने देते हैं। एक आइटम ना हो इसमें उसको अपने आप करके देख सकते हो, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में ये सब चीजें बहुत अच्छे से समझा दी है। ये था हमारा एल्गोरिथम, अगले वीडियो में मिलते हैं एक इसके प्रोग्राम के साथ, प्रोग्राम कैसे काम करता है, प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए विश यू गुड लक।